दोस्तों आप सभी लोग का टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज स्किल इंडिया का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस योजना की शुरुआत 2015 में स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम स्किल इंडिया कौशल भारत कुशल भारत नाम रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य लाभ यह था कि सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ताकि सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अगर आप ITI किए हैं, या फिर आप CTI किए हैं, या फिर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं, या फिर आप कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोई भी कोर्स किए हैं, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको इस योजना के तहत क्या लाभ मिला है, और दोस्तों क्या आपको जॉब मिली है या फिर नहीं, या फिर सारी योजनाएँ यहाँ पर फेल हो चुकी हैं। आत्मनिर्भर भारत हर भारतवासी का सपना और आज का संकल्प है, और सभी देशवासी दृढ़ता से इस संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। इस संकल्प की नींव आज से 5 वर्ष पूर्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्किल इंडिया के रूप में रखी गई। अपने 5 बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। पिछले 5 वर्षों से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने अनेक सफल योजनाएं कार्यान्वित की हैं। भारत की औद्योगिक प्रगति और बदलते आर्थिक विकास और प्रगतिशील वातावरण के साथ तालमेल रखते हुए स्किल इंडिया के तहत नए युग के कौशल पेश किए गए हैं। इनके अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ITI केंद्रों का निर्माण किया गया, जिनमें कुल 63 प्रणालियों में लगभग 27 लाख युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं युवाओं में एक रश्मि सैनी भी है, जिन्होंने झज्जर में स्थित ITI से IoT स्मार्ट एग्रीकल्चर में प्रशिक्षण लेकर न सिर्फ अपनी कुशलता को तराशा, अपितु आत्मनिर्भर होकर स्वयं व अपने गांव को समृद्धि की ओर बढ़ाया। स्किल इंडिया के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के अंतर्गत लघु अवधि शिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं, जहां युवाओं को फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के नागरिकों को डिजिटल एवं सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षित किया जाता है और उद्यमशीलता पर खास ध्यान दिया जाता है। इस योजना से 92 लाख युवा लाभान्वित हुए हैं, जिनमें एक गोविंद भी है। जब देश में GST लागू हुआ तो युवाओं के लिए नए अवसर आगे आए। गोविंद ने GST कंसल्टेंट बनकर अपनी नई पहचान बनाई और आज अपना एक छोटा सा GST फाइलिंग सपोर्ट सेंटर खोल लिया है। स्किल इंडिया के उद्देश्य को मुख्य रखते हुए पूर्वानुभव को मान्यता यानी रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के अंतर्गत अनौपचारिक रूप से अर्जित हुए कौशल्य का प्रावधान है, जिससे असंगठित क्षेत्र को संगठित अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं को प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग से जोड़ने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने 1961 के प्रशिक्षु अधिनियम में विस्तृत बदलाव लाए और विनिर्माण क्षेत्र से आगे बढ़कर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को सेवा उद्योग में भी शामिल किया गया। भारत के कई युवाओं में से एक है सत्या। सत्या ने स्किल इंडिया की नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का लाभ लेकर एक निजी बैंक में बैंकिंग की सेवाओं को समझा और अपने ही गांव में बैंक मित्र की सेवाएं देते हुए आत्मनिर्भरता को एक नया चेहरा दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने एक नई पहल के अंतर्गत दोहरी वोकेशनल कोर्सेज में अप्रेंटिसशिप के दौरान पढ़ाई के साथ साथ कंपनियों में काम करने का मौका भी प्राप्त होगा, जिसके बदले उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण प्रणाली की सफलता के लिए NSDC एवं DGT ने अनेक निजी और सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है, ताकि लाखों युवा इस प्रशिक्षण का लाभ उठाकर सीखते हुए कमा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जन शिक्षण संस्थान योजना के अंतर्गत भारत में अनेक केंद्र स्थापित किए गए। भारतीय कौशल के विकास को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय कौशल संस्थान यानी IIS नामक अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थानों की योजना बनाई गई है, जिनकी नींव मुंबई और गांधीनगर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रखी जा चुकी है।
उच्च स्तर के ये संस्थान युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 से जोड़कर उन्हें आगे आने वाले नए भारत के लिए सशक्त करेंगे। राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM बेंगलुरु के सहयोग से महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम यानी MGNF नामक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर कुशल कार्यबल तैयार करना होगा। स्किल इंडिया मिशन हर भारतीय युवा, महिला, दिव्यांग व आदिवासी को प्रोत्साहित करते हुए आज उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और सही दिशा के साथ उन्हें कौशल युक्त व बेहतर आजीविका प्रदान कर रहा है। प्रशिक्षित युवाओं को स्थायी आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए स्किल इंडिया ने AI आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग यानी ASEEM पोर्टल लॉन्च किया, जो कि भारत में कौशल के अंतराल को भरने की दिशा में काम करेगा। कुशल कामगारों को रोजगार के मौके और कंपनियों को कौशल युक्त वर्कफोर्स दिलाने के प्रति प्रयासित होगा। स्किल इंडिया की सफलता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रही है। भारत पिछले 5 वर्षों में वर्ल्ड स्किल्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 29वें पद से 13वें पद पर पहुंच गया है और हाल ही में रूस में हुए वाटर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन में भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आज भारत ने स्किल इंडिया के तहत 20 से अधिक देशों के साथ मिलकर विश्व स्तर के मापदंडों पर कौशल मानचित्र बनाया है, ताकि हम देश को विश्व का कौशल बिंदु बनाने के अपने इस मिशन में कामयाब हो सके। इन बड़े क्रमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर निर्धारित किया गया है। इस मिशन से अनेक युवाओं के सपनों को पंख मिले हैं, जिससे उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। आज भारत की नींव और उसकी सफलता उसके कुशल युवा से है। शायद यही कारण है कि 5 वर्ष पश्चात आज देश के 5.5 करोड़ युवा स्किल इंडिया के साथ जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर प्रगतिशील है। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है।